So hellos and highs to everyone. Today, this is my second video. I am really, really thankful to all of you who supported me unconditionally. So now I'll be starting with first of my topic. I am little bit confused to which topic I have to start. So I asked my friends which topic should I take up. So they told me ki you can take any easiest topic which in which you are comfortable. So main bahut bahut overwhelmed hu, jo bhi mujhe support mila, jinhone bhi mujhe subscribe kiya aur jinhone bhi mujhe follow kiya comments ke, thank you so much, because isi se you get positivity to do something. This is really helpful to all others. So if you will support me, then only I can support you guys. So keep supporting the way you are doing, and thank you so much. Thank you so much ki you are showing this confidence on me ki I can help you out in some or the other way. So today I thought ki I should start with the diet wala portion for the kids. एक्चुअली मेरे साथ क्या है, मैंने जो अमोक के साथ किया है मैं वो ही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. बेसिकली डाइट चार्ट इज कुछ नहीं होता, एटलीस्ट एक बच्चे के लिए, एक छोटे से किड के लिए जो कि इस वर्ल्ड में बहुत नया आए, उसके लिए तो नहीं होता. तो डाइट चार्ट होना भी चाहिए फॉलो और नहीं भी, इन द वे कि डाइट चार्ट फॉलो तब हो जब आपका बेबी कंफर्टेबल हो. इन अ प्रेशर वे बिल्कुल भी डाइट चार्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर वे में नहीं कि एट 10 हमें ये देना है, 12 ये देना है, देन 1 o'clock दिस, 2 o'clock. तो मैंने डाइट फॉलो की है उसकी, लेकिन नॉट इन अ प्रेशर वे. मतलब मैं जस्ट एक था कि हमें हमारे हिंदू रिचुअल्स में क्या होता है, हमारे घर पे क्या होता था, इट वॉज लाइक कि 0 to 6 month तक आप बेबी को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ बेबी मिल्क पे होता है, इधर मदर फीड, इवन तक आप वाटर भी नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते. वो बोलते हैं मदर फीड इज़ इनफ फॉर ऑल दैट, तो मदर फीड देते हैं. तो मैंने उसे हर चीज़ की हैबिट डाली हुई थी, मदर फीड भी और काउज मिल्क समथिंग, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देन इट इज़ रियली हेक्टिक कि हम मदर फीड दे पाएँ उसे. तो हम उसे वो सारी चीज़ें देते थे. 0 to 6 month तक सिर्फ वो उस डाइट पर था. उसके बाद हमारे यहाँ प्रॉपर जो हमारे रिचुअल्स में होता है वो क्या होता है कि हमें उसका प्रॉपर अन्नप्राशन होता है. ये भी एक फंक्शन काइंड ऑफ है जो हर फैमिली में, पता नहीं आई डोंट नो होता है या नहीं होता, मैक्सिमम आई सपोज होता ही है. देन ओनली कि वी कैन गिव हिम रोटी दाल एंड समथिंग लाइक दैट. तो उसका अन्नप्राशन होने के बाद, उसके बाद हमने उसे लाइक दाल का पानी, कोई भी दाल का पानी एनी, देन वो फ्रूट्स खा नहीं सकता तो हम उसे फ्रूट जूस देते थे या बनाना मैश करके. कर्ड, कर्ड इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. कर्ड इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. वो आप वो स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है एंड डाइजेशन के लिए भी, एंड टेस्ट वाइज भी वो बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए. मतलब अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन है तो इट विल वर्क, इफ़ दे आर हैविंग लूज मोशन देन ऑल्सो इट विल वर्क. तो वो एनी वेज वर्कआउट करती है, एंड वी कैन गिव इट इन समर्स, विंटर्स, एट एनी सीजन, दैट डजेंट मैटर. तो हम उसे कर्ड एंड ऑल देते थे. देन हमने नेक्स्ट 2-3 months, मतलब टिल ही वॉज 9 month, हम उसे इस डाइट पर रखा. देन हमने उसे थोड़ा रोटी एंड ऑल मैश करके देना वो सब स्टार्ट किया. तो इन द वे इट गोज ऑन, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बच्चा को आपने एक बार खिला दिया, देन गो फॉर अ गैप ऑफ 2 or 3 hours एटलीस्ट, क्योंकि ज़बरदस्ती ओवर ईटिंग इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हर चीज़ डाइजेस्ट कर लें जल्दी से. तो हम लोग उसे कंफर्टेबली ही रखते थे कि जब खाना चाहे, मतलब बहुत प्रेशर वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे वॉमिट आउट बहुत जल्दी करते हैं उन सब चीज़ों को ना. तो इस वजह से हम ऐसे ही कंफर्टेबल रहते. देन धीरे धीरे, क्योंकि माय मदर वाज रियली सपोर्टिंग एंड शी वाज टोटली टेकिंग केयर ऑफ हिम ना, तो वो उसको प्रॉपरली फिर उसको सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, लौकी, तोरी ये सब देती थी, उसे खिलाती थी, ताकि ना एक हैबिचुअल हो जाए, टेस्ट आने लगे उसे सब चीज़ों का ना. देन इन दिस वे वी
गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो मैं आज आपको सिर्फ एक इंट्रो देना चाह रही थी कि हम इस तरह वीडियोस बना सकते हैं. अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए चाहिए, लाइक जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने 0 to 4, 4.5 तक का देखा है, लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप का चाहिए तो आप मुझे DM कर दीजिए, मैं फर्दर उस पर वीडियो बना दूंगी फिर, ठीक है. अदरवाइज मैं आपको अमुक का पूरा प्रोसीजर बता दूंगी. अभी ये सिचुएशन है कि मैं उसे ऑलमोस्ट हर चीज़ देती हूँ, मतलब जो भी घर में बनता है उसके लिए कुछ भी चीज़ सेपरेट नहीं होती, वो वही खाते, चाहे वो फ्राइड हो, नॉन फ्राइड हो, वॉट एवर, मतलब उसे हर चीज़ की हैबिट है खाने की, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने उसे उसी तरह टैकल किया है, ठीक है. तो अब आपको अगर पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे DM कर दीजिए एंड मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है. और आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं नेक्स्ट बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ, ठीक है. और मैं उसका प्रॉपर फिर प्रॉपर एक आपको डाइट चार्ट भी दे दूंगी कि होना चाहिए, नॉट इन द प्रेशर वे, ठीक है. तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे उस चीज़ को फर्दर. अब आप मुझे बता दीजिएगा आपको किस एज ग्रुप पे चाहिए, अदरवाइज मैं पर्टिकुलरली बना दूंगी अलग अलग वीडियोस, ठीक है. सो गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. जिसने नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है. आप सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल मोटिवेट मी एक्चुअली टू डू गुड फॉर अदर्स, ठीक है. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट.